हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित कुमार एंड यू आर वाचिंग नाउ फाइनटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको एंड्रॉइड स्टूडियो का एक सोर्स कोड फ्री में देने वाला हूं। अगर आप यह सोर्स कोड मार्केट से बाई करते हैं तो आपको 1000 से 1500 रुपये पड़ते हैं, या फिर किसी से आप डेवलप करवाते हैं तो दोस्तों वहां से आपको 3 से 4 हज़ार रुपये तक लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको यह बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूं और यह 100% वर्किंग कोड है। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसमें आपको सारी सेटअप करनी है, किस तरह से आप खुद से एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं और उसे आप प्ले स्टोर पे पब्लिश करके पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का डेमो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एडमिन पैनल का डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने एप्लीकेशन को एडमिन पैनल के जरिए हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे एक एमुलेटर खुला हुआ है, तो इस एमुलेटर के अंदर ही मैंने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, जिसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोर्स प्रो के नाम से यह एप्लीकेशन है और इसको मैं ओपन करूंगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस इसका दिखने वाला है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से आपको यह एप्लीकेशन वर्क करेगा और किस तरह का एप्लीकेशन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिस्ट में बहुत सारे यहाँ पे कोर्स आ चुके हैं। जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कोर्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर इसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसको फेवरेट में भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका कोर्स दिखने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको बैक करेंगे। तो बैक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों एग्जिट का बटन आ जाता है, एग्जिट नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको नेविगेशन ड्रॉअर में बहुत सारी कैटेगरी मिल जाती है, तो इसको भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत एंड्रॉइड स्टूडियो आता है तो। और नहीं आता है तो भी आप इसको बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें वर्क एडिट कर सकते हैं और दोस्तों आप खुद से प्ले स्टोर पर भी पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेटेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको, कैटेगरी ऑप्शन मिल जाता है, ऑथर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर बहुत सारे ऑथर हैं आपके एडमिन पैनल पे तो उसका भी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस ऑथर ने कौन सा कोर्स डाला है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑथर्स के यहाँ पे कोर्स डाले हुए हैं, तो ये लोग ऑथर हैं या फिर यहाँ पे अगर आपका कोई पर्सनल ऑथर है तो उसको भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब्राहम लिंकन का इतने कोर्स डाले हुए हैं। तो इस तरह से आप जो है कि अपने ऑथर को ऐड भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एडमिन पैनल से होगी। उसके बाद यहाँ पे हम राइट साइड में आते हैं, तो यहाँ पे फेवरेट जो भी आपने कोर्स आपको अच्छा लगता है उसको फेवरेट में सेव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पे आते हैं, नीचे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग में दोस्तों आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, जिस भी कलर में आप अपने एप्लीकेशन को देखना चाहते हो उस कलर में इसको आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे रेट ऐप का मिल जाता है, रेटिंग करने के लिए, शेयर ऐप के लिए, मोर ऐप्स के लिए, अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये सारी कैटेगरी आपको मिल जाती है साइड नेविगेशन बार में। तो आपने दोस्तों देख लिया कि कौन सा एप्लीकेशन है। इसमें दोस्तों आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, या फिर आपको या लिस्ट व्यू में आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट आपको इस एप्लीकेशन के अंदर सेटअप कर सकते हैं आप एडमिन पैनल के जरिए। दोस्तों, इसमें आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एडमोब डिसेबल भी हो जाता है तो आप नया एडमोब जो है कि आप अपने एडमिन पैनल के जरिए ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम डेमो देख लेते हैं कि हमारा डेमो किस प्रकार से दिखने वाला है एडमिन पैनल का, तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलते हैं अपने ब्राउजर में। देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्राउजर है और अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का हमें दिखने वाला है हमारा डेमो डैशबोर्ड। अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूंगा तो लॉग आउट करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें लॉग इन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लॉग इन करके आपको शुरू से दिखाते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पे हम लॉग इन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिख जाता है। यहाँ पे हमें 6 कैटेगरी ऐड करी हुई है, 16 ऑथर ऐड किए हुए हैं और 41 कोर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। अगर आप नया कोर्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नए कोर्स को ऐड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ऐड कोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ऑथर सेलेक्ट करेंगे किस ऑथर का ये कोर्स है। उसके बाद यहाँ पे अपना कोर्स डालना है, ऐड मोर, और उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं। आप चाहते हैं कि अपने एप्लीकेशन का गुड मॉर्निंग या फिर गुड नाइट का नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग या गुड नाइट का। उसके बाद यहाँ पे अगर इमेज देना चाहते हैं तो इमेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोर्स भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कोर्स अगर आप सेंड करना चाहते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल लिंक अगर आप देना चाहते हैं तो एक्सटर्नल लिंक भी आप यहाँ से देखिए, आप उसको सेंड करेंगे तो ये नोटिफिकेशन जितने भी लोगों के पास एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी उसके पास चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, ऑथर भी ऐड कर सकते हैं, कोर्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं कि सेटिंग में आपको क्या क्या मिलने वाला है। हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोर्स ऐप का नाम चेंज कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन का लोगो चेंज कर सकते हैं, इसे आप ऐप का डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, ऐप का वर्जन चेंज कर सकते हैं, ऑथर चेंज कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप जो है कि अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों एडमोब सेटिंग का। तो यहाँ पे आपको अपना एडमोब का पब्लिशर आईडी डालना है, यहाँ पे बैनर आईडी डालना है, ट्रू रखना है और यहाँ पे नीचे बैनर आईडी आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल एड के लिए ट्रू रखना है और यहाँ पे बैनर आईडी आपको डाल देना है।
अगर आप iOS यूज कर रहे हैं तो iOS में भी आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेंड ऑप्शन मिलता है, तो इसको आप सेटिंग कर लीजिएगा वन सिग्नल के थ्रू, तभी आपका नोटिफिकेशन वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको API सेटिंग मिल जाता है, जो कि यह टेक्निकल है, तो इसको आप जब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा यह क्या चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐप का प्राइवेसी पॉलिसी है, तो इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे API URL मिल जाता है, जिसको भी जब आप एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका सोर्स कोड आपको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे जाके लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके आप इसका सोर्स कोड डाउनलोड कर लीजिएगा। सोर्स कोड में आपको क्या क्या मिलने वाले उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं डाउनलोड्स में, और यहाँ पे देखिए कोड्स जो है और कोड कैनन का है दोस्तों, यह ओरिजिनल है। यहाँ पे देखिए इसका सोर्स कोड है, तो ये सोर्स कोड इसको आप इम्पोर्ट कर लीजिएगा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन क्लिक करेंगे तो यह डॉक्यूमेंटेशन है, या इसको देख के आप जो कि खुद से अपना एडिट कर सकते हैं। उसी तरह से आपको PHP के लिए भी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। अगर आप एडमिन पैनल सेटअप नहीं कर पा रहे हैं तो एडमिन पैनल का भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो इसको क्लिक करके आप एडमिन पैनल भी सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा। अगर आपको कोई और भी सोर्स कोड चाहिए तो उसके बारे में हमें कमेंट करके नीचे बता दें, हम कोशिश करेंगे कि वह सोर्स कोड आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।